तो अब मैं बात करने वाला हूँ हमने अगले टॉपिक के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि मैनीफॉर्म यानी वो कैसे। तो अगर हम इधर उधर का एग्जांपल ना देख के हम अपना ही एग्जांपल लें, तो हम अलग अलग समय, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग माहौल में हमारा अपना कैरेक्टर बदलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे एक्सप्रेशन बदलते हैं, हमारे इमोशन बदलते हैं। तो जैसे कि अभी सपोज मैं सैड हूँ, तो मेरा एक्सप्रेशन, मेरा इमोशन, मेरे फेस के एक्सप्रेशन चेंज होंगे। मैं खुश हूँ तो मैं अपनी बत्ती सी चमकाऊँगा, और अगर कहीं मैं फ्रेंड सर्कल में हूँ तो वहाँ पे मुझे एज अ फ्रेंड की तरह व्यवहार करना होगा। मैं घर में हूँ तो मुझे मेरा व्यवहार तब बदलेगा, मैं ऑफिस में हूँ तब मेरा व्यवहार तब बदलेगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं कहीं भी अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से मैं अपने आप को बदल सकूँगा। तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म में होता कैसा कि जो एक वेरिएबल है वो एक इंटीजर भी बनता है, वो एक स्ट्रिंग भी बनता है, और इसी तरह से हम फंक्शन देखेंगे कि किस तरह से हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ए जो है मेरा 5 है, यानी एक इंटीजर है, और यहाँ पे ए जो है मेरा वो बन जाएगा एक स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग, तो अब ये रन करेगा बिना किसी उसके साथ एरर के साथ। क्यों? क्योंकि वैसा अब मुझे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है, और मैं जानूँगा ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू। और सिमिलर ये चीज़ मैं इधर जाके चेक करूँगा, कंट्रोल वी, और फाइनल मुझे आउटपुट मिलेगा। तो ये 5 है और ये स्ट्रिंग भी है, यानी यहाँ पे मैंने इसके डिक्लेयर किया कि ये 5 है, और सिमिलर यहाँ पे मैंने इसे डिक्लेयर किया कि वो स्ट्रिंग है एक प्रकार का। तो ये दोनों के लिए काम कर रहा है, यानी ए ना भेदभाव कर रहा है स्ट्रिंग के साथ ना ही 5 के साथ, बस उसे जिस तरह से बताया गया है वो उस हिसाब से काम कर रहा है। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है उसके अंदर हमारे। अब उसके अंदर कैसे होगा, वो कैसे काम करेगा, तो उसके लिए चलो हम कुछ एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि क्लास की सहायता से मैंने एक क्लास बना रहा हूँ बाइक नाम का, ठीक है, BIKE बाइक नाम का क्लास बना, और एक फंक्शन बनाते हैं टेफ स्पेस वी व्हीकल नाम का एक फंक्शन बना, जो कि सेल्फ डॉट ओके, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग दे दूंगा कि प्रिंट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं बताने वाला मैं दो फ्रेंड के बारे में बात करूँगा। सपोज मेरा एक फ्रेंड है आकाश, तो आकाश के पास क्या है, तो आकाश हैज ए बाइक, और सिमिलर मैं एक और क्लास बनाऊंगा। देखो मैं बात करता हूँ कि मेरे को व्हीकल चाहिए, मैंने फ्रेंड से बोला व्हीकल, मैं किस फ्रेंड के पास जाऊंगा कि मुझे व्हीकल दे, तो मैं आकाश के पास जाऊंगा, तो आकाश बोलेगा ले तू मेरी, अरे यार ये क्या आ गया कंट्रोल से, तो सी और कंट्रोल वी क्या, मैं आकाश के पास गया, मैं बोला आकाश के पास एक बाइक है, अब मुझे बाइक चाहिए तो मैं आकाश के पास जाऊंगा, क्योंकि आकाश के पास बाइक है। और अगर मैं दूसरे फ्रेंड के पास गया और मैंने उसको बोला कि अगर मुझे स्कूटर चाहिए, तो मैं स्कूटर नाम का क्लास बना लूँगा, और मैंने बोला कि क्लास बना लिया, और उसके पास भी व्हीकल नाम का फंक्शन रहेगा, तो मैंने बोलूँगा मुझे चाहिए स्कूटर, तो मैं बोलूँगा मैं विनोद के पास जाऊँगा, विनोद जो कि मेरा मित्र है, और वो बोले विनोद हैज ए स्कूटर। ओके, इतना होने के बाद जो हमारे दो अलग अलग क्लास बन गए, और व्हीकल जो है वो कॉमन एक फंक्शन बना, कॉमन फंक्शन। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा डिफ, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि व्हीकल टाइप, व्हीकल
व्हीकल टाइप अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा एक नेम, यानी एक आर्ग्यूमेंट, एक वेरिएबल लूंगा फंक्शन की सहायता से। पहले तो इसको तो नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे लिया मैंने नेम, और यहाँ पे बोल दूंगा नेम नेम डॉट, मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड कर दूंगा व्हीकल के फंक्शन को। ओके यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगा, कॉलन नहीं लगा, और ऐड करूँगा व्हीकल के फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊँगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आकाश, आकाश जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा अभी के लिए, जिसके पास क्या है बाइक। और सिमिलर यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे मुझे नेम डॉट व्हीकल, ओके इतना हो गया। और यहाँ पे मुझे विनोद, मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके पास क्या है, जिसके पास है स्कूटर। और ओपन क्लोज कर दिया मैंने इसको, और इतना होने के बाद अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। कौन से फंक्शन को, तो व्हीकल नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, और मैं नाम दे दूंगा किसका, तो मैं नाम दे देता हूं विनोद का। तो क्या होगा, रन करता हूं जैसे मैं इसको, तो विनोद हैज ए स्कूटर, ठीक है। यानी जैसे ही मैंने व्हीकल नाम के फंक्शन में एक नाम दे दिया विनोद, तो विनोद के पास क्या है, एक स्कूटर है, तो मुझे स्कूटर चाहिए, तो मैं विनोद को संपर्क करूंगा। बट अगर मैं आकाश के पास जाता हूं, यार मैं जाता हूं आकाश के पास, और मैं बोलता हूं आकाश जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और जैसे ही मैं रन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा आकाश के पास से, तो विनोद है स्कूटर, आकाश है बाइक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हीकल जो है हमारा सेम फंक्शन है, बट वो विनोद के लिए अलग काम कर रहा है, आकाश के लिए अलग काम कर रहा है। यानी विनोद के पास जो कि बाइक है, एक बाइक नाम का क्लास है, वो उस हिसाब से काम कर रहा है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है, व्हीकल सेम है। तो यही है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जो हमारा मेथड है, जो भी हमारा फंक्शन है, वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग काम कर रहा है, यानी अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ए जो है, अरे मेरा ए जो है वो 5 भी बन रहा है, और सॉरी 2 बना देते हैं एक को, और प्रिंट का इस्तेमाल करके मैं बता दूंगा कि प्रिंट कर दो ए को, और मैं बता दूंगा कि ए जो है वो स्ट्रिंग में बन रहा है। ओके और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ प्रिंट ए को, और जैसे मैं रन करता हूँ तो ये तो पहला आउटपुट हमारा, दूसरा जो स्ट्रिंग और वो आ रहा है स्ट्रिंग, और ये तो मुझे जानना है, यानी मेरे को इतना तो पता चल रहा है कि मैं ए को 2 भी दे सकता हूँ, मैं उसे एक इंटीजर भी दे सकता हूँ, मैं उसे एक स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ। तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म अब हमारे उसके अंदर किस तरह से काम करता है। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।